अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज इन केस ऑफ एसईसीपी। मतलब कि एसईसीपी में अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट किए हुए हैं उनकी आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए तो वो किस तरह आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एसईसीपी सर्विसेज में लॉगिन कर लेना है। जो भी व्हाट्स एवर किस किस का भी लॉगिन पड़ा हो आप उसके थ्रू आप लॉगिन करके ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपली लॉगिन करें। अगर आपके पास अपना नहीं है तो आप किसी और के लॉगिन से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड डेट क्योंकि उसके लॉगिन पे उसकी ईमेल लगी होगी तो जिसकी ईमेल होगी उसको ही वो जाएंगे फॉर्म्स। तो ये जी आपके पास कंपनी लिस्ट की और यूजर की एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप नीचे आएंगे तो ये सबसे नीचे आप देख सकते हैं डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्लिक करना है जी सेलेक्ट नेम पे। सेलेक्ट नेम पे ये आपको कंपनी नेम सर्च पे ले जाएगा। इधर आके आपने कंपनी का नेम सर्च कर लेना है जिसकी भी आप सीटीसी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं एक कंपनी को सर्च करता हूँ। तो ये देखें जी, ये कंपनी आ गई है। इसकी सीटीसी के लिए नाम सेलेक्ट हो गया, कंपनी का क्वीन जो कंपनी यूनिक इनकॉर्पोरेशन नंबर है वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से सारे फॉर्म्स आ जाएंगे जो जो सबमिटेड हैं वो सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। तो जिस जिस फॉर्म की मुझे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए होगी मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने फॉर्म ए सिलेक्ट कर लिए सारे, तो हर फॉर्म की फीस 100 रुपीज़ है और प्लस 25 आपके बैंक चार्जेस पड़ जाएंगे अगर आप। अच्छा, इसमें भी दो तरह से पेमेंट है। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं जो आपका डेबिट कार्ड है, और दूसरा ये कि आप एडीसी पेमेंट यानी कि इजी पैसा से भी कर सकते हैं। तो इजी पैसा से पेमेंट करने के लिए आप इजी पैसा ऐप पे जाएंगे और ड्रॉप डाउन में जाके मोर में जाके उधर आपका गवर्नमेंट फी आ रहा होगा, तो उधर आप पे उधर से आप गवर्नमेंट फीस के थ्रू भी जाके पे कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप क्रेडिट कार्ड में चले जाएँ। अब जो आपकी एडीसी ई पेमेंट है वो आपकी इधर आ रही होगी, और जो आपकी इजी पैसा किया, और जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट है डेबिट क्रेडिट कार्ड की वो आपकी ऑनलाइन पेमेंट में आ रही होगी। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं। लेकिन ये कि क्रेडिट कार्ड में कलेक्शन चार्जेज हैं वो 3.7% टोटल वी के पड़ जाएंगे, तो मैं इसलिए इजी पैसा के थ्रू ही जाता हूँ। इसमें आपके जो चार्जेज हैं 25 रुपीज़ पड़ते हैं। ये जो ईमेल है ये एडिटेबल नहीं है, इस ईमेल पे ये चली जाएंगी सीटीसीज। कंटिन्यू करूंगा, फॉर्म्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अच्छा, एक और बात, आप यहाँ पे जितने मर्जी फॉर्म ऐड कर सकते हैं, आप रोज को डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप फॉर्म चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, कंटिन्यू करूंगा यहाँ से, ये मेरे पास चलान आ जाएगा जी। तो ये जी मेरे पास बैंक चलान आ गया तीन फॉर्म से, तो ये 325 और ये बैंक कलेक्शन चार्जेस की फ़ी आ गई जी 25 रुपीज़। साइन फॉर्म्स करूँगा, इधर पिन लगाऊँगा एंड द प्रोसेस इज रेडी टू सबमिट। अच्छा जी, ये मेरा चला गया है सबमिटेड प्रोसेस में, मेरी सीटीसी की रिक्वेस्ट और जो मेरी पेमेंट है वो एडीसी ई पेमेंट में आ रही होगी क्योंकि मैंने इजी पैसा सेलेक्ट किया था। तो आप सिंपली एडीसी ई पेमेंट पे आएंगे, जनरेट पीएसआईडी पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पीएसआईडी नंबर है ना, आप इजी पैसा पे लॉगिन करेंगे, नीचे जा रहे होंगे मोर पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट फीस में जाके एसईसीपी आ रहा होगा, उधर ये आप 350 रुपये उधर आप पीएसआईडी नंबर पुट करेंगे तो ये 350 का चलान निकलेगा। सो इस तरह आप फी पे कर देंगे।